हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक्सचर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहाँ पर यूट्यूब के अंदर जाते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर जब आप कैप्शन यहाँ पर ऑन करने की कोशिश करते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइस, अनअवेलेबल। तो ये क्यों दिखाई देता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे उड़ाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको तो पता ही होगा कि कैप्शन का यूज़ क्या होता है। तो जो भी यहाँ पर वीडियो में जो भी यहाँ पर बोला जाता है वो यहाँ पर लिख कर आता है नीचे, तो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टाइप लिख कर आता है गाइस। तो यहाँ पर कैसा होता है कि जो भी शख्स होता है जिसने भी वीडियो यहाँ पर डाला होता है, तो उसने यहाँ पर कैप्शन यहाँ पर सेट नहीं किया होता है, यानी आपको हर एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन यहाँ पर आपको लिख कर स्टोर करना पड़ता है स्क्रिप्ट। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ये स्क्रिप्ट यहाँ पर अगर डालते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर लिख कर नहीं आएगा न अवेलेबल बोलकर, यहाँ पर आपको जो भी लैंग्वेज में है वो आपको लैंग्वेज आ जाएगी, अदरवाइज आपको अनअवेलेबल दिखाई देगा अगर यहाँ पर कैप्शन सबटाइटल अगर नहीं होगा तो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।